டாக்டர் சர்வபல்லி ராதாகிருஷ்ணன். டாக்டர் சர்வபல்லி ராதாகிருஷ்ணன் न केवल उच्च कोटि के शिक्षाविद ही थे, बल्कि वे महान राजनेता भी थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद को अलंकृत किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वे भारत के राष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में भारतीय गौरव को स्थापित किया। ऐसा महान राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, तेजस्वी वक्ता, प्रभावशाली एवं लोकप्रिय शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में 5 सितंबर 1888 को हुआ। इनके पिता का नाम वीर स्वामी उइया तथा माता का नाम सीताम्मा था। इनके पूर्वज मूल रूप से सर्वपल्ली गांव के निवासी थे, लेकिन बाद में वे लोग तिरुतनी गांव में आकर बस गए। इनका बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा में इनके पिता का विशेष योगदान रहा। यद्यपि वे पुराने विचारों के थे, लेकिन उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथर्न मिशन स्कूल में विद्याध्ययन के लिए भेजा। फिर इनकी शिक्षा वेल्लोर में हुई। ये बचपन से ही बड़े मेधावी थे। 1902 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और इन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। मिशनरी संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने के कारण अंग्रेजी भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार हो गया था। इन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद से ये बहुत प्रभावित हुए। इनमें धार्मिक विषयों के प्रति रुचि जागृत हुई। इसके बाद इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की। पिता के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ये पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद ये मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक हो गए। इसके कुछ ही दिनों बाद ये मैसूर के महाराजा कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। इनकी पाठन शैली, ओजस्वी भाषा और धारा प्रवाह अंग्रेजी ने लोगों को बहुत प्रभावित किया और थोड़े ही दिनों में ये महाराजा कॉलेज के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोफेसर बन गए। मैसूर में ये लगभग 3 वर्ष तक रहे। उसी समय इनकी नियुक्ति कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के पद पर हुई। सन 1931 में ये आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। ये समस्त विश्व को शिक्षालय मानते थे। इनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव दिमाग का सदुपयोग किया जा सकता है, इसलिए समस्त विश्व को एक इकाई समझकर ही शिक्षा का प्रबंधन किया जाना चाहिए। ये छात्रों को प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। ये जिस विषय को पढ़ाते थे, पढ़ाने के पहले स्वयं उसका अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी ये अपनी पाठन शैली के द्वारा रोचक बना देते थे। कुछ समय बाद इन्होंने वाराणसी के काशी विश्वविद्यालय में कुलपति के पद को अलंकृत किया। सन 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। उनके अंदर एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ शिष्य और प्रशंसक उनके पास गए और उन्होंने निवेदन किया था कि वे उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तब कृष्णन ने कहा, मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के आपके निश्चय से मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करूंगा। तभी से 5 सितंबर देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है।
डॉक्टर राधाकृष्णन बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है। इसके साथ ही इन्होंने लेखन, राजनीति, वक्ता, प्रशासक आदि विविध क्षेत्रों में भी अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। इनका मानना था कि यदि सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो समाज की अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। वे ये भी कहते थे कि केवल जानकारियां देना ही शिक्षा नहीं है, व्यक्ति का बौद्धिक विकास होना चाहिए। शिक्षा का लक्ष्य है ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना और निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति। वह एक ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति को ज्ञान और कौशल दोनों प्रदान करती है। छात्रों में प्रेम, करुणा और श्रेष्ठ परंपराओं का विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। विद्यार्थियों के साथ उनका संबंध मैत्रीपूर्ण रहता था। इनका मानना था कि जब गुरु और शिष्य के मध्य संकोच की दूरी ना हो तो अध्यापन का कार्य अधिक श्रेष्ठता पूर्वक किया जा सकता है। ये अपने घर पर आने वाले विद्यार्थियों का स्वागत स्वयं हाथ मिलाकर करते थे। पढ़ाई के दौरान उन्हें स्वयं चाय देते थे और एक विद्यार्थियों की तरह उन्हें घर के द्वार तक छोड़ने भी जाते थे। इन्हें अपने प्रोफेसर होने का जरा भी अहंकार नहीं था। इनके जैसा गुरु और शिष्य का संबंध है आधुनिक युग में देखने को नहीं मिलता है। जब मैसूर से इनका स्थानांतरण कलकत्ता में हुआ था तब विद्यार्थियों ने इन्हें बग्घी के द्वारा स्टेशन पहुंचाया था। इस बग्घी में घोड़े नहीं जुते थे बल्कि छात्रों के द्वारा ही उसे खींचकर स्टेशन तक लाया गया था। इनकी विदाई के समय मैसूर स्टेशन का प्लेटफॉर्म सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जय हो के नारों से गूंज उठा था। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में अश्रु थे। ऐसे महान शिक्षक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रूपी यह सितारा 17 अप्रैल 1975 को सदा सदा के लिए लुप्त हो गया, जो चिरकाल तक अविस्मरणीय रहेगा।